बहुत याद आएगा तुम्हारा मामा अगर मैं चला जाऊंगा तो। मैं भी मानता हूं इस बात को, जरा आप शांति से बैठो भैया, शांति से बैठ जाओ। मैं भी मानता हूं इस बात को कि बहुत याद आएंगे मामा, इसलिए घर घर याद आएंगे कि इस प्रदेश को सबसे ज्यादा बेरोजगारी दी तो मामा आपने दी। याद आओगे आप कि 1000 करोड़ रुपए का आज ही आपने कर्जा लिया, आज जब हम बात कर रहे हैं, और आज ही आपने 45,000 करोड़ रुपए के भूमि पूजन ऑनलाइन भी कर दिए। कल्पना करो, मेरे घर में खाने के लिए व्यवस्था चलाने के लिए 1 पैसा नहीं है, आज ही मैंने बाजार से, बैंक से नहीं, बाजार से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया मध्य प्रदेश शासन ने, और आज ही 45,000 करोड़ रुपए के ऑनलाइन भूमि पूजन कर दिए। याद आओगे मामा, कितनी धूल झोंकते हो आप आंखों में, याद आओगे आप कि आपने 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज में प्रदेश को कर दिया। याद आओगे भैया, आप जो ऊपर बैठे हो अभी शांति से, ऊपर 53,000 रुपए का कर्जा आप पे भी है, और पास में जो हमारी भाभी है ना, वो 53,000 अलग कर्जे में है, याद रख लेना। एक एक नागरिक प्रदेश का 53,000 रुपए के कर्जे में है, याद आओगे मामा कि इसी सीहोर की विरासत सरबती गेहूं, जिसका नाम आपने देश में लिया, विदेश में लिया, हर बार लिया, बार बार लिया, पर आपसे जब इसके 3,000 रुपए क्विंटल सरकारी मूल्य की बात करी तो आपके हलक से एक शब्द नहीं निकला, और सामने बैठे हुए थे आप, और आप कहने लगे नहीं हो सकता। मैंने जब विधानसभा में ये प्रश्न रेस किया कि शिवराज जी आपने 1,00,000 बार बोला कि मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा, पवित्र विचार था, अद्भुत विचार था, जो किसान की औलाद है वो आपको साधुवाद देता था, मैं भी किसान की औलाद हूं, मेरे मुख्यमंत्री ने, किसान के बेटे ने, किसान को भगवान मानने वाले ने ये कहा कि किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए, अच्छा लगता था। पर शिवराज जी उससे ज्यादा जब अच्छा लगा, जब आपने राज्यपाल के अभिभाषण में 4 बार कहा कि किसान की आय दोगुनी करनी है, और उससे अच्छा और तब लगा जब शेरपुर सीहोर में, इसी धरती पे, इसी जिले में, आपने शेरपुर में आपने कहा प्रधानमंत्री के मुंह से कि हम किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करेंगे। 2018 में कहा रमेश भैया, जब गेहूं का भाव था 1925 और आज है 2140, तो 200 रुपए बढ़ाने को डबल कहते हैं मेरे शिवराज। याद क्यों नहीं आओगे आप? याद आओगे? याद आपको नहीं करें तो किसको करें शिवराज जी, कि किसानों ने जब इनकम मांगी, फसलों के दाम मांगे तो गोलियों से भून दिया आपने मंदसौर में 6-6 किसानों को, क्यों याद नहीं आओगे आप? आप याद जरूर आओगे कि आपने मंडी लगा दी विधायक, क्यों याद नहीं आओगे? आपने सब्जी जैसे बिकवा दिए जनप्रतिनिधि, क्यों याद नहीं आओगे? शिवराज जी आप युगों युगों तक याद आओगे कि आपने, आप इतने बड़े ढोल हो कि बोलते बहुत हो, आवाज दूर तक जाती है, पर अंदर जितनी ढोल में पोल है उतनी पोल आप में। शिवराज जी आप याद आओगे कि किसानों की आत्महत्या में मेरा प्रदेश नंबर 1 आप ही ने बनाया। आप याद आओगे कि सबसे ज्यादा किसान कर्जदार अगर कहीं मध्य प्रदेश में है, देश में है, तो मध्य प्रदेश में है। आप याद क्यों नहीं आओगे शिवराज जी
आपके राज में 3 साल में एनसीआरबी के आंकड़े, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2 लाख बहनें हर साल गायब होती, हर 3 साल में या गायब होती है, 17 बहनों की आबरू लूटी जाती है। आप याद क्यों नहीं आओगे? क्यों नहीं आओगे शिवराज जी? आपने जिस तरीके के, बेटा एक बैठो भैया, ए भैया, ए काका बैठ जाओ, अब मेरे को थोड़ा डिस्टर्ब मत करो। आप याद क्यों नहीं आओगे? आपको याद आना ही चाहिए कि आपने सीहोर को कहा मैं स्मार्ट शहर बना दूंगा, याद आना चाहिए। बनाया नहीं, पर कहा जरूर। मुख्यमंत्री 20 साल के ने कहा मेरे जिले को, खुद के जिले को, अपने जिले को। शिवराज जी आप याद क्यों नहीं आओगे? हमें पता नहीं था कि आप पागल खाने को स्मार्ट सिटी कहते हो। शिवराज जी आप क्यों याद नहीं आओगे सीहोर के लोगों को? सीहोर की बहनों को आपने कहा था मैं यहाँ रेल इंजन का कारखाना, डिब्बे का कारखाना लाऊंगा, कहा था नहीं कहा था? याद क्यों नहीं आओगे? आप ये बताओ, इंजन के डिब्बे का कारखाना तो नहीं लगा पर उसके चद्दर जरूर यहां से कहीं और चले गए, याद क्यों नहीं आओगे शिवराज जी? आपने यहां कहा मैं नर्मदा का पानी लेके आऊंगा, मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री के जिले को कहा, पार्वती की पूर आई पर नर्मदा नहीं आई, याद कैसे नहीं आओगे शिवराज जी? आपने इस प्रदेश को 30,000 झूठी घोषणाएं दी, आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड, आपको इसमें कोई विश्व का सबसे बड़ा कोई पदक हो तो आप ही को मिल सकता है, क्यों याद नहीं आओगे शिवराज जी? आप याद क्यों नहीं आओगे? आपने व्यापम से लेके 40 एग्जाम करवाई, सब में घपले और घोटाले, एक भी नौकरी नहीं बिकी, एक भी नौकरी ऐसी नहीं जो बिकी ना हो, एक भी परीक्षा का पेपर ऐसा ना जो लीक नहीं हुआ हो, एक भी परीक्षा ऐसी नहीं जिसकी जांच नहीं हो रही हो, एक भी ऐसा पवित्र काम आपने एक भी नहीं किया बच्चों के भविष्य के लिए, जो क्यों याद नहीं आ गया? अरे आपने व्यापम में 50-50 लोगों की हत्या हो गई शिवराज जी, आप ही को तो ये तमंगा मिलता है, क्यों याद नहीं आओगे? क्यों याद नहीं आओगे शिवराज जी? आप ये बताओ, जैसा मैंने कहा कि शिवराज जी 3,000 रुपया क्विंटल गेहूं का विरोध करने वाले आप ही तो थे, सीहोर गेहूं की धरती है, शरबती गेहूं की धरती है, जब हमने कहा, मैंने कहा रमेश भैया कि मैं घर घर ये वीडियो ले जाऊंगा, वो वीडियो जब विधानसभा में मैंने बोला, आप लोगों ने देखा था क्या? कितने लोगों ने देखा, जरा हाथ ऊंचे करो। मैंने उसमें कहा था कि शिवराज जी आप 3,000 रुपया क्विंटल किसानों के अनाज का दाम करो, धान का दाम करो, आप मुख्यमंत्री हो प्रदेश के और हम आपके, हम जनप्रतिनिधि है, भले 3 बार चुन के मुख्यमंत्री बने, इस बार लूट की सरकार के मुख्यमंत्री बने हो आप, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, दलगत राजनीति नहीं हो सकती, तेरा मेरा नहीं हो सकता, कांग्रेस बीजेपी नहीं हो सकती, जब किसान की बात आती है तो देशभक्ति की बात आती है, आत्मीयता की बात आती है, प्रेम की बात आती है, अरे सीने धरती के सीने को चीर के अनाज उगाने वाला ये किसान भगवान ही तो है, आप ही तो कहते थे, इसके लिए हम सब मिलके कुछ करें, श्रेय आप लोग। जब तक वो मुख्यमंत्री हैं तब तक मैंने खूब मांग की रमेश भैया, रोज की, डेली की, एक बार नहीं की, जितनी बार उन्होंने किसानों की इनकम डबल करने की बात की उससे ज्यादा बार मैंने उनसे आग्रह किया, पत्र लिख कर किया, ट्विटर से किया, भाषणों में किया, जिले जिले जाके किया, विधानसभाओं में किया, सदन के अंदर किया, सदन के बाहर किया, मीडिया के सामने किया कि किसानों के 3,000 रुपए क्विंटल अनाज के दाम करो शिवराज जी, पर एक बार भी रिएक्ट नहीं किया। शिवराज जी मैंने ये भी कहा था कि आप करोगे तो आपको किसान सर माथे पे बिठाएगा, साधुवाद करेगा, आपको जैसा आपने कहा वैसा मानेगा और फिर याद अच्छे भाव से करेगा, पर अगर आप नहीं करोगे तो यही किसान आपको इस कुर्सी पे से चारों पहिए छीन लेगा आपके, मैं गलत तो नहीं बोला? अब मैं सीहोर के उनके जिले की इस पावन धरती से उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, उनको चुनौती देना चाहता हूं,
उनको इस बात का एहसास कराना चाहता हूं कि शिवराज जी एक दिन दो दिन आचार संहिता बची है, अभी भी समय है। डरो इन किसानों की हाय से, इनकी मौत से, इनके कर्ज से। अगर आप करोगे तो फिर हम आपको साधुवाद देंगे। सत्ता विपक्ष जितना हारना हो सकता है, सबका अपना अधिकार है, कर्तव्य है, हक है। पर आप जब किसान की इनकम की बात आए तो आप अगर भला करोगे तो हम भी दुआ देंगे आपको। शिवराज जी दो दिन है, तीन दिन है, आचार संहिता कब लगेगी मुझसे पहले आपको बेहतर पता है। अगर करोगे तो आपका भला करेगा, नहीं तो दो दिन बाद बुधनी में जाके फिर आपसे हिसाब मांगूंगा। मैं फिर आग्रह करूंगा, 8 तारीख को बुधनी जाऊंगा मैं शिवराज जी से कहने कि शिवराज जी आपको याद क्यों नहीं करेगी बहने, क्यों नहीं करेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा, आप लोगों ने जो स्वागत सत्कार किया अद्भुत था, अकल्पनीय था, बदलाव का था। और जैसा मैंने शुरू में कहा, हवा का रुख बदलने वाला है, वैसा ही था। मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बार पंजे का विधायक क्या बनेगा या नहीं बनेगा, एक साथ हाथ ऊंचे करके बनाओ, बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसा है कि जब तक हम कोई व्यवस्था हो, रोटी को नहीं पलटेंगे, जल जाएगी। 20 साल बहुत होते हैं किसी भी व्यवस्था को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सरकार को। अपना सब कुछ दे दिया उन्होंने, अब कुछ नहीं बचा उनके पास। एक विजनरी लीडर है हमारे पास कमलनाथ जी के रूप में, उनको पद का मोह नहीं है। इस उम्र में सारे पद उनने ले लिए, भोग लिए। ऐसा कोई पद नहीं है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अलावा जो कमलनाथ जी के पास नहीं रहा। पद का लालसा, लालच, पद का मोह उस व्यक्ति के पास नहीं है। उन्होंने जो मध्य प्रदेश से लिया वो वापस सूट समेत मध्य प्रदेश के लिए लौटाना चाहते हैं। मैं मानता हूं इतनी जीवितता, इतना कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति मैंने मेरी लाइफ में दूसरे व्यक्ति में नहीं देखी जितनी कमलनाथ जी में। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, दृढ़ संकल्प के साथ दोनों हाथ ऊंचे करो और संकल्प लो कि इस बार हम कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री और कांग्रेस का विधायक सीहोर से बनाएंगे। बनाओगे कि नहीं बनाओगे? और मैं वचन देता हूं आप लोगों को, दो दिन और बचे आचार संहिता के, 3 दिन बच गए होंगे, तब तक शिवराज जी अगर गेहूं के दाम का 3000 रुपए कर दे तो उनको साधुवाद देंगे, भगवान में उनके लिए दिया जलाएंगे और कहेंगे कि शिवराज जी का भला करे। पर अगर उन्होंने नहीं किया तो उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी बोलेगी, चिंता मत करना, मैं भी बोलूंगा और उनकी कुर्सी हिलाने के लिए किसान भी बोलेगा। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अभी रमेश सक्सेना जी कह रहे थे, ये देश भगवान राम का है, ये देश भगवान कृष्ण का है, पैगंबर का है, ये देश है गुरु नानक देव जी का, ये महावीर का देश है, ये संविधान में बाबा साहब अंबेडकर का देश है। इसमें सदियों से, युगों से, जब लोकतंत्र था आया जब से भी, और जब राजतंत्र था तब भी, जब भगवान राम के काल से आज तक द्वापर और त्रेता युग से, सबने एक ही बात कही, प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की, दया की, सद्भावना की, एक दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने की, एक दूसरे के लिए कुछ कर गुजर के सुकून और दुआ पाने की। ये देश हम सबका, इसमें अमीर का भी हिस्सा है, उसके लिए भी कुछ है। ये भगवान ने, व्यवस्था ने, ईश्वर ने हमें एक अलग तरह की ताकत दी है, विविधता में एकता, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रहना सहना, अलग अलग प्रांत, अलग अलग दुनिया में इतना बड़ा देश दूसरा नहीं है जितना हमारा देश है, क्षेत्रफल में भी, भाषाओं में भी, जातियों में भी, धर्मों में भी। पर हमारे देश की विशेषता है एकजुटता के साथ देश को विश्व में सबसे ऊपर ले जाने की। मैं मानता हूं इस एहसास को हम सबको जीना चाहिए। आप जियोगे कि नहीं जियोगे? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, इस भाव को जियो। और जैसा सक्सेना जी ने कहा कि इस बार न जात पे न पात पे मोहर लगेगी, इस भाव को भी आप सबको जीना है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके बीच में आकर। भारत माता की। धन्यवाद जीतू भैया, धन्यवाद। मैं आभार प्रदर्शन के लिए हमारे संगठन मंत्री राजाराम बड़े भाई को बुलाऊंगा।